तो एंड्रॉयड 15 जो है वो रिलीज हो चुका है ऑफिशियली स्टेबल वर्जन, एंड ऑफ कोर्स इसका जो सोर्स है वो काफी टाइम पहले रिलीज हो गया था, अराउंड मोर देन वन मंथ अगो, लेकिन पिक्सल डिवाइसेस के लिए ऑफिशियली अभी रोल्ड आउट हुआ है विद अक्टूबर सिक्योरिटी पैच। ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अ कस्टम रोम, लेकिन ऑफिशियल एंड्रॉयड 15 में आपको क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया अपने अदर चैनल पर, इंग्लिश चैनल पर, टेक करंट चैनल पर, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे थोड़े से लिमिटेड फीचर्स के बारे में इन डिफरेंट लैंग्वेज। सबसे पहले हमें वन ऑफ द ग्रेट फीचर्स नेम्ड एज प्राइवेट स्पेस यहां पे देखने को मिलेगा। प्राइवेट स्पेस मुझे पर्सनली एंड्रॉयड 15 का वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगा। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने डिवाइस में एक डिफरेंट, जो आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ यूज़ करनी है, डिफरेंट फ़ोन यूज़ करना है, मल्टीपल इंस्टेंसेस आप यूज़ करना चाहते हैं, एक ऐप के क्लोन करना चाहते हैं, ऐप्स को हाइड करना चाहते हैं, ऐप्स को लॉक करना चाहते हैं, दिस कुड बी द थिंग फॉर यू। ये चीज़ बहुत न्यू है स्टॉक एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए, मैं बात कर रहा हूँ पिक्सल यूज़र्स के लिए, क्योंकि पिक्सल यूज़र्स के लिए ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। इवन आई एम यूजिंग पिक्सल 8 प्रो, एंड्रॉयड 14 में मुझे इस चीज़ की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी कि मेरे पास कोई प्राइवेट स्पेस नाम का ऑप्शन नहीं था, एंड जब से एंड्रॉइड 15 आया था आई वॉज ईगर टू इंस्टॉल दिस थिंग। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। सेकंड वन हमें यहां पर देखने को मिलता है एक और चेंज, एंड दैट इज इन द वॉल्यूम पैनल। अब ये मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, किसी को ये चीज पसंद आएगी, किसी को ये नहीं आएगा, लेकिन वॉल्यूम पैनल एक्चुअली में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इवन अगर आप नोटिस करेंगे इसमें जो आप बैक कर रहे हैं, इसमें जो प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशन देखने को मिल रहा है, दिस लुक्स गुड। पहले आप नॉर्मल एंड्रॉइड 14 जो यूज कर रहे होंगे वहां पर जो वॉल्यूम पैनल है वहां पर ये जो बैक एनिमेशन है इस तरह से आपको देखने को नहीं मिल रहा, इसके बाकी जो एनिमेशन है, जो बेसिकली मैंने ट्राई किया, एंड्रॉइड 15 का जो मेन फोकस है इट्स ऑन एनिमेशंस, काफी सारे एनिमेशन में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सेम थिंग अप्लाइज टू दिस वन, तो डेफिनेटली ए डिफरेंट चॉइस आपके लिए हो सकता है, तो जरूर ट्राई कीजिए अगर आप एंड्रॉइड 15 को ट्राई कर सकते हैं। ये एक्चुअली में काफी वर्थी अपडेट है, ऑल्दो इट्स क्वाइट सिमिलर टू एंड्रॉइड 12, 13, 14, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पर जो विजुअल चेंजेस हैं मुझे वो बताने पड़ेंगे, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। अनदर थिंग हमें जो यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड 14 वो है यहाँ पर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल यूआई में। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई वॉलपेपर को अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज द वन, तो इसमें जो आपको प्रीव्यू यूआई देखने को मिल रही है एंड्रॉइड 14 में ऐसी देखने को नहीं मिल रही थी। एंड्रॉइड 13 में डिफरेंट था, एंड्रॉइड 14 में चेंज हुआ, और अभी एंड्रॉइड 15 में भी हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इवन जब आप सेट वॉलपेपर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन किसी को भी चूज कर सकते हैं, दोनों को चूज कर सकते हैं। अदर देन एल्स में इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिल रहे, ये डिफरेंसेस जरूर हैं जो कि एक्चुअली में वर्थी भी हैं और आपको पसंद आ सकते हैं मोस्ट लाइकली अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉइड 15 को यूज करना चाहते हैं। तो ये चेंज हमें देखने को मिलेगा वॉलपेपर्स एंड स्टाइल्स यूआई में विद एंड्रॉइड 15। इसके अलावा एक और चेंज हमें जो देखने को मिलता है बहुत ही यूजुअल है, दैट इज इन द प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशंस। ये काफी कॉमन है, लेकिन प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशन पहले एंड्रॉइड 14 में अवेलेबल था, लेकिन उसके लिए आपको उसको फोर्सफुली इनेबल करना पड़ता है सेटिंग्स में से, वो उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें ये चीज बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, बाय डिफॉल्ट ये चीज काम करती है। सिर्फ यही नहीं, इसमें एक और चेंज हमें देखने को मिलता है, अगर आप चलेंगे स्टोरेज ऑप्शन में तो आप नोटिस करेंगे एंड्रॉइड 15 और टेम्पररी सिस्टम फाइल्स, ये दो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं विद एंड्रॉइड 15, तो आपको पता लग जाएगा कि टेम्पररी सिस्टम फाइल्स का क्या साइज है और एंड्रॉइड 15 का क्या साइज है। नॉट अ मेजर चेंज बट अ मिसलेनियस चेंज जो मुझे आपको बताना था। एक और चीज हमें देखने को मिलेगी वो ये है, जब आप चलेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है अडेप्टिव वाइब्रेशन का। अब ये चीज सभी के लिए इतनी कंफर्टेबल शायद नहीं होगी, स्पेशली अगर आपके डिवाइस का जो हैप्टिक फीडबैक है वो उतना बेटर नहीं है, पिक्सल 8 प्रो का बहुत अमेजिंग है, तो यहां पर ये चीज काम शायद कर सकती है। आई मीन थोड़ा सा आपको बेटर लगेगा, बट नॉट सो श्योर हाउ मेनी ऑफ यू विल यूज दिस थिंग। इसके अलावा कोई और ज्यादा मेजर चेंजेस हमें यहां पर तो फिलहाल देखने को नहीं मिलेंगे। एक और चीज हमें देखने को मिलती है वो ये है ऐप आर्काइव, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है स्पेशली उन यूजर्स के लिए जिनके डिवाइस की स्टोरेज थोड़ी सी कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिलहाल अगर बात करें 128 GB भी काफी कम है, अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो वहां पर अगर आपने बहुत सारे ऐप्स को इंस्टॉल करा हुआ है आपको उस ऐप को प्रॉपरली अनइंस्टॉल नहीं करना, आप उसे आर्काइव कर सकते हैं ताकि आप जब चाहे उसे रिस्टोर कर लीजिए, उसका डाटा कहीं पर भी नहीं जाएगा, तो स्टोरेज काफी हद तक आप उसमें सेव कर पाएंगे। एंड इट इज वर्किंग विद गूगल प्ले स्टोर ऐप्स एंड सम अदर ऐप्स पे भी ये चीज बिल्कुल परफेक्टली काम करेगी, एंड काफी बेटर इंप्लीमेंटेशन है अगर हम बात करते हैं एंड्रॉइड 15 में एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंड्रॉइड 14। एक और स्लाइट विजुअल चेंज जो मुझे एंड्रॉइड 15 में देखने को मिला था वो था इसमें स्क्रीनशॉट यूआई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते फिलहाल एंड्रॉइड 14 यूज कर रहे हैं तो अब आप नोटिस करेंगे
जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर आपको राउंडेड कॉर्नर्स देखने को मिलते हैं विच लुक्स एक्चुअली क्वाइट एक्साइटिंग। तो एक्चुअली में सिर्फ यही सब विजुअल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एंड्रॉइड 15 में। अगर आपको और डेडिकेटेड चेंजेस चाहिए, एक्जैक्टली फुल लिस्ट ऑफ चेंजेस चाहिए, तो आप मेरी दूसरी वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज ऑन द टेक करंट चैनल। मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिनिमल चेंजेस आपको यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर।